गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं आपको अकाउंटेंसी क्लास इलेवेंथ के चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करूँगी हम वट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग इज आ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग इंटरपिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने इसमें आपसे एक्टिविटी वन आइडेंटिफाइंग मेजरिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग मैंने इसमें आपको सेवन एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया है इसको मैं डीपली एक्सप्लेन करती हूँ वट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग वट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अब हम एक्सप्लेन करेंगे आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग क्या होता है डिटरमाइंड वर्ट ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्ड आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है टर्म्स ऑफ फिनेशियल करेक्टर्स आर टू बी रिकॉर्डेड ओनली सिर्फ आपको कौन सी ट्रांजेक्शन लेनी है फिनेंशियल ओनली अब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन टू टाइप्स की होती है फर्स्ट इन फिनेंशियल एक्टिव ट्रांजेक्शन और दूसरी नॉन फिनेंशियल करेक्टर्स दो करेक्टर्स की होती है फिनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फिनेंशियल में आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं गुड्स परचेज फोर कैश और क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड एंड नॉन फाइनेंशियल करेक्टर करेक्टर में आपकी कौन कौन सी कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस आती है विद एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी द ट्रवल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर और सेल मैनेजर के बीच में क्या हो जाए झगड़ा हो जाए स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज क्या करने लग जाए स्ट्राइक कर दें देखो ये जो पॉइंट्स हैं ये जो पॉइंट्स हैं ये इफेक्ट डालते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इफेक्टेड बाय द बिजनेस बट हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते बी ए का अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मेजरिंग मेजरिंग क्या होता है इट मीन्स अ क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टू अ फिनेशियल टर्म बाय द यूजिंग अ मॉनिटरी यूनिट इसमें हम क्या करते हैं जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं जो फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं उसको हम मॉनेटरी यूनिट मतलब कि मुद्रा में जैसे कि आप रुपीज में या पैसे में उसको आप क्या करते हो मेजर करते हो फॉर एग्जाम्पल मशीनरी मशीनरी को आप मेजर कर सकते हो किसके अंदर मशीनरी को आप क्या कर सकते हो मनी मेजर क्या है ट्वेंटी लैक की ये क्या हो गया आपने क्या किया उसको मेजर कर लिया किसके फॉर्म में मनी फॉर्म में इफ अ बिजनेस है सपोज करो टेन मशीन्स to buildings, to टन आर raw materials, it is not possible to add them. अगर बाई चांस सपोज करो अगर हम मनी में मेजर ना करें उसको हम ऐसे ही लिख दी जैसे दस टेन मशीन्स टू बिल्डिंग्स ट्वेंटी ट्वेंटी टन्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये क्या पॉसिबल होगा इसको ऐड करना इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एड दैम टूगेदर एंड नोन विच वन इज़ मोर वैल्यूएबल अनलेस दे आर नॉट बी एक्सप्रेड इन द टर्म्स ऑफ मनी आप ना तो इसको आप कैलकुलेट ऐड कर सकते हो और ना ही आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सी एसेट हमारे लिए वैल्यूएबल है और ना ही आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो किसमें मनी फॉर्म में, में. इसी लिए हम इसको ऐसे हम नहीं कर सकते इसलिए हमें इसको मनी में कैल्कुलेट करना ही पड़ेगा ऐसे हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते ना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते ना हमें ये पता चलेगा कि ये वैल्यूएबल है भी या नहीं हमारे लिए तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि आपको क्या करना है मनी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जैसे कि हम आप ये आप इजीली ऐड कर सकते हो जिससे मशीन है ट्वेंटी लैक बिल्डिंग आपकी ये है इतना है तो उसको तो आप मेज़र कर सकते हो लेकिन अगर आपको ऐसे देगा टेन मशीन टू बिल्डिंग बट इसका क्या है मनी मेजर मनी तो कुछ है ही नहीं एक्सप्रेस तो कैसे आप इसको ऐड कर सकते हो नहीं पॉसिबल है आगे देखते हैं हम रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्या होता है रिकॉर्डिंग में आपका क्या होता है जैसे गुड्स परचेज है हमने अभी पढ़ा कि गुड्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया फिर हमने इसे क्या करा एम फॉर मेजरिंग मेजरिंग कर लिया आपने उसके बाद हमने क्या करा कि मेजरिंग कर ली अब इसकी हमने क्या करनी है रिकॉर्डिंग हम किस में से क्या करोगे आपने एंट्री कर दी गुड्स कितना टेन थाउजेंड तो ये जो बुक है हमारी वो कौन सी बुक में एंट्री करोगे आप जर्नल में किस में करेंगे आप जर्नल में देखो क्या होता है इन अ स्मॉल बिजनेस जो छोटे बिजनेस हैं विद द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आइज क्वाइट स्मॉल जहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है या वॉल्यूम ट्रांजेक्शन का क्या है बहुत कम है क्वाइट स्मॉल थोड़ा है ऑल ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन अ बुक कॉल्ड अ जर्नल हम उसको क्या करते हैं सबसे पहले किस में रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल में जैसे मैंने यार रिकॉर्ड कर दिया कि गुड्स मेरे कितने के हैं टेन थाउजेंड का इन अ बिग बिजनेस वेर द नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन इज़ क्वाइट लार्ज जहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है वहाँ पर हम क्या करते हैं वहाँ पर सफिशेंट नहीं है सिर्फ जनरल को रखना जनरल इज अ फर्दर सब डिवाइडेड इन आ वेरियस सब्सिडरी बुक सर्च एज आ उसमें हमने कुछ और सब्सिडरी बुक्स जनरल को क्या किया कुछ सब डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उस टाइम हमें कुछ सब्सिडरी बुक्स भी रखनी पड़ती है जैसे कि कैश कैश बुक परचेज बुक सेल बुक क्या करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज फॉर गोड्स सेल्स किसने लगते हैं सेल्स बुक में क्या मेंटेन करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल ऑफ गोड्स परचेज रिटर्न में फॉर रिकॉर्डिंग आ रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज सेल रिटर्न बुक में फॉर रिकॉर्डिंग द रिकॉर्डिंग द रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल ये हम बुक्स में एंट्री करते हैं बट ये बुक्स भी क्या होती है द नंबर ऑफ ससीडरी बुक्स टू बी मेंटेन डिपेंड ऑन द साइज ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके साइज पे और आपके बिजनेस के नेचर पे किस पे डिपेंड करता है नेचर और साइन बुक किसके बिजनेस के आप इसको कम या ज़्यादा रख सकते हो मैंने बताया है ना किस पे डिपेंड करता है आपके साइज पे आपके बिजनेस के साइज पे और आपके बिजनेस के नेचर के ऊपर ठीक है अगर हम रिकॉर्डिंग हो गई हमारी उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट था क्लासीफाइ क्लासीफाइ में क्या होता है क्लासीफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन ये क्या है प्रोसेस है क्या ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन के या एंट्रीज का ऑफ अ वन नेचर एक नेचर के एक जैसे एट अ वन प्लेस उनको हम एक जगह लिख देते हैं द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन अ जर्नल हम क्या करते हैं जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया जर्नल में और अ सब्सिडरीज बुक्स में आर क्लासीफाइड क्या कर देते हैं तो क्लासिफाइड या पोस्ट कर देते हैं पोस्टेड इन अ कौन सी बुक में मेन बुक में ऑफ अकाउंट नोन एज अ लेज़र इसको हम किस में पोस्ट कर देते हैं हमारी मेन बुक जो हमारी क्या है किसके नाम से जानते हैं लेजर में ठीक है मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूं सपोज करो आपके गुड्स है गुड्स परचेज परचेज ये आपके गुड्स हैं परचेज है सेल्स आपके यहाँ पे गोड्स क्या सेल और सेल अब सपोज करो ये हमारी बुक थी कौन सी बुक में हमने एंट्री की थी जर्नल में ये आपकी जर्नल बुक है इसमें हमने क्या की थी ये हमारी कौन सी बुक है जर्नल बुक इसमें आपने एंट्री कर दी परचेज की ठीक है आपने सेल की एंट्री कर दी ठीक है अब आपने क्या किया जो सेल वाले थे मैंने आपको बोला है ना कि ट्रांजेक्शन एंड एंट्री ऑफ अ वन नेचर एक जैसे नेचर की जैसे सेल की सारी टर्म एट अ वन प्लेस की एक जगह लिख दो जैसे आपने यहाँ पे क्या करा जो भी सेल के आइटम थे सारे आपने एक जगह लिख दिए ऐसे जो भी आपके परचेज थे परचेज के परचेज की एंट्रीज थी ट्रांजेक्शन्स थी वो सारे आपने एक जगह नोट कर दी कहने का मतलब यहाँ पे आपने ऐसे इसकी ट्रांजेक्शन इसकी ट्रांजेक्शन इसकी एंट्री और इसकी एंट्री ऐसे ही आपने क्या किया सेल की एंट्री इधर ले आए आप सेल को ये भी आपने ऐसे सेल कर दिया ये भी आपने ऐसे कर दिया और ये भी आपने ऐसे कर दिया ये जो प्रोसेस है जो मैंने इसको पोस्टिंग करे इसको हम क्या कह कहते हैं पोस्ट करना या क्लासीफाई करना तो ये जो हमारा क्या कहलाता है क्या होता है उसने क्या कहा है सब्सिडरी बुक्स आर क्लासीफाइड एंड पोस्टेड टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट हम मेन बुक में अकाउंट कर दें ये जो पोस्टिंग होती है करना होता है इसको हम क्या कर देते हैं में ठीक है हमने सब अपनी मेन बुक्स में इसको क्या कर दिया पोस्टिंग और जिस बुक में हम उसको पोस्ट करते हैं उसका नाम क्या है लेजर हम जिसमें आप उसको क्लासीफाई करते हैं उसमें उसका नाम क्या है जर्नल क्लासीफाई हम कर रहे हैं ये हमारी जो क्लासीफाई हो रही है वो किस में हमने क्लासीफाइड कर दिया पोस्टिंग कर दी पहले एंट्री हमने किस में की थी मेन हमने किसने की थी जर्नल बुक में फर्स्ट एंट्री उसके बाद हमने इसको ये हमारी क्या कई क्लासीफाई कर दिया हमने ठीक है इस बुक में लेजर में ने। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समराइजिंग अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि हमारे आइडेंटिफाई कर लिया मेजरिंग कर लिया रिकॉर्डिंग कर लिए और क्या कर लिया अब हम क्या पढ़ेंगे समराइजिंग कैसे हम समराइजिंग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे दिस 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 इन्वॉल्व प्रजेंटिंग द क्लासीफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल यूजफुल टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर ऑफ़ अकाउंटिंग क्या होता है दिस इन्वॉल्व प्रजेंटली इसमें हम क्या करते हैं जो क्लासीफाइड कर लिया हमने डाटा को इन अ इन आ मैनर उसको हम ऐसे बनाते हैं विच इज़ क्या हो जाए अंडरस्टैंडेबल हो जाए यूज़फुल हो जाए चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र किसके अकाउंटिंग के चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल के लिए यूज़र के लिए क्या हो जाए यूज़फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए दिस प्रोसेस लीड टू द प्रिप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इस प्रोसेस को करने के लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं जिसकी कुछ स्टेटमेंट जिसके नाम क्या है हमारे पास ट्राईबैलेंस ट्रेडिंग एंड पी एल अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ट्रेडिंग इसमें आपका क्या करते हैं ट्रेडिंग से आपको क्या निकालोगे ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पी एल से प्रॉफिट एंड लॉस से आपको दो भी दो चीज़ मिलेगी क्या नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो बैलेंस शीट है उससे हम क्या मिलेगा हमें क्या पता चलेगा फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डीप में जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट के बारे में ये हमारे तीनों किस नाम से जाने जाते हैं ये हमारे जो तीनों हैं तीनों मीन्स ट्रेडिंग ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये आपकी ये ट्राइवैलेंस नहीं क्योंकि तो ट्राइवेलेंस में तो आपके सारे बैलेंसिंग होते हैं ये आपके हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं फाइनल स्टेटमेंट के नाम से आपका बुक में चैप्टर होगा उसको हम डीपली बाद में पढ़ेंगे अभी मैंने आपको बताया है कि अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैसे इंटरनल एक्सटर्नल मैं इसको से एक्सप्लेन करती हूँ अभी हमने क्या किया था उसको क्लासिफाइड कर दिया था पोस्टिंग कर दी थी किसमें लाइजर में हमने ऐसे ऐसे कर दिया था पोस्टिंग सेल अकाउंट में ऐसे ही हमने उसकी परचेज़ बुक में कर दी थी एंट्री या आपने एंट्री कर दिया अब आपने क्या किया टोटल कर दिया टोटल ऑफ सेल कि मेरे पास कितनी टोटल है सेल सिक्सटी थाउजेंड का मनी में रजिस्टर कर दिया यहाँ पे आपने कितना कर दिया टोटल परचेज कितना रुपीज़ एटी थाउजेंड लिख दिया तो ये जो आपने किया कि अब ये आपको बार बार अंदर में देने की जब जरूरत तो नहीं है कि सेल्स का फर्स्ट डे कितना सेकंड डे ये आपने टोटल बता दिया कि मेरे टोटल क्या है ये अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी आपके पास कि क्या आपके पास टोटल सेल कितनी है सिक्सटी टोटल परचेज कितना है आपके पास एट्टी ये हमारे से क्लियर हो गया कि अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से ठीक है आगे पढ़ते हैं अभी हम फाइव स्टेप तक आ गए सिक्स स्टेप पढ़ते हैं analysis and interpretation analysis and interpretation of financial data is carry out so that the user of financial data can be make a meaningful judgment उसमें हम क्या था कि understandable हो जाए useful हो जाए क्या जो भी हमारे internal external user है उसको क्या हो जाए उनके लिए help मिल जाए अब हम इसमें क्या कर रहे हैं judgment एक meaningful judgment निकाल पाएं हम for the profitability and फिनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिज़नेस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है और प्रॉफ़िट क्या है उसकी एबिलिटी कितनी है प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है दिस हेल्प इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन अ बेटर वे ताकि हम क्या कर सकें प्लानिंग कर सकें ताकि हम अपने फ्यूचर में और भी अच्छा कर सकें जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल आपको देती हूँ सपोज करूँ अभी हमने क्या था टोटल सेल टोटल सेल आपकी कितनी थी सिक्सटी थाउजेंड परचेज इस एट्टी थाउजेंड ऐसे ही आप सब कुछ कैलकुलेट करते रहेंगे तो आप लास्ट में आपको कैलकुलेट हो जाएगा आप अपनालाइज कर पाओगे कि मेरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या मेरी कंपनी को लॉसेस हुआ है वो आप किसके हाफ पे कर पाओगे एनालिसिस के बेस पे सी है चार्टर अकाउंटेंट है आपके अकाउंट को चेक करेगा इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको प्रॉफिट हुआ है और क्या लॉस हुआ है एक अदर एग्जाम्पल और सिंपल लेते हैं एक कंपनी है जिसकी तीन ब्रांचेज हैं फर्स्ट ब्रांच उसकी किस में है मुंबई में है फर्स्ट ब्रांच उसकी मुंबई में है सेकेंड ब्रांच उसकी न्यू डेली में है थर्ड ब्रांच उसकी जयपुर में है मुंबई में उसने जो कर किया है टू करोड़ का प्रॉफिट गेन किया है ऑन किया है और दिल्ली में उसने वन करोड़ का और जयपुर में उसने वन पॉइंट फाइव करोड़ का अब आप इसको एनालाइज़ कर लोगे कि किस कौन सी ब्रांच ने कौन सी मेरी ब्रांच ने अच्छा प्रॉफिट मतलब कि ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया है आप इजीली कैल किससे कर कर पाओगे आपके पास डाटा होंगे डाटा को आपको एनालाइज करना पड़ेगा उसी के ब्याव पे आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी ब्रांच अच्छा काम कर रही है अच्छा परफॉर्म कर रही है वो भी आप किसके ब्याव पे कर पाओगे एनालिसिस को तभी आप इंटरप्रिटेट कर पाओगे कि वो प्रॉफिट है प्रॉफिट हो रहा है उसको या फिर उसको लॉस हो रहा है जहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सी ब्रांच है इससे आपको क्या होगा बिना एनालिसिस के आप नहीं कर पाओगे आपको एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको क्या हुआ है क्या प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है ठीक है और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या होगी फ्यूचर के लिए बेस्ट होगी ठीक है लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग में क्या होता है फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन क्या होते हैं इसमें अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं क्या कम्युनिकेटिंग द फिनेंशियल डाटा टू द यूजर लास्ट में हम क्या करते हैं जो भी हमारे यूजर्स होते हैं जिनको हमने फाइनेंशियल फिनेंशियल डाटा को कम्युनिकेट करना होता है वो हमारा किस में आता है कम्युनिकेटिंग में सपोज करो हमने रिजल्ट आ गया हमारे पास रिजल्ट पता चल गया हमें कि, कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें लॉस हुआ है ठीक है इंफॉर्मेशन हम देते हैं किसको किसको इंफॉर्मेशन देंगे हम अपने यूजर्स को यूजर्स आपके क्या होते हैं टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट आपके क्या होते हैं इंटरनल यूजर्स और सेकेंड आपके होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स दो तरह के यूजर्स होते हैं जो हमारे यूज इंटरनल होते हैं उसमें आपका आ जाता है ओ एम ई इसमें आपका आएगा ऑनर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज एक्सटर्नल में आपके क्या हो जाएंगे आपके गवर्नमेंट बैंक्स कंज्यूमर एक्सेट्रा ये आपके यूज़र्स हैं जिसको आप क्या कर दोगे अपनी इन्फॉर्मेशन फिनंशियल डाटा की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप क्या करोगे कम्युनिकेट कर दोगे इसके अंदर ठीक है अब देखिए मैंने जो आपको बताया है वो मैंने क्या क्या बताया आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ आई आइडेंटिफाई एम मेजरिंग उसके बाद हमने क्या किया उसको मेजरिंग के बाद हमने क्या किया रिकॉर्ड किया मेजरिंग के बाद हमने रिकॉर्ड किया किस में जर्नल बुक में फिर हमने क्या किया क्लासीफाइंग किया किसके अंदर अपनी मेन बुक मतलब कि लेजर बुक में उसके बाद हमने क्या किया समराइज किया समराइज मतलब शॉर्ट किया थोड़ा सा उसको शॉर्ट में करा किस में किया हमने समराइजिंग में उसके बाद हमने क्या किया आपने एनालिसिस किया उसको इंटरप्रिटेट किया और जजमेंट ताकि हम आप पता चल सके फाइनेंशियल पोजिशन क्या है बिजनेस की वो कैलकुलेट हो जाए उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग करें क्योंकि हमारे जो इनफॉम जो हमारे यूज़र्स हैं उनको भी तो हम कम्युनिकेट करेंगे कि हमारे बिज़नेस की पोजिशन क्या है क्या रिजल्ट है इन्फॉर्मेशन करेंगे तो हमारा इसमें आ जाता है ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन एक्टिविटीज़ हैं इस सेवन एक्टिविटीज़ के बेस पर आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी समझ ली कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग और आपने साथ ही साथ में तीन टॉपिक और एक्सप्लेन कर दी अकाउंटिंग प्रोसेस करेक्टरिस्टिक्स एंड एटीव्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन तीनों को अगर मीनिंग आपका मीनिंग आता है क्वेश्चन के अंदर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मतलब वन टू थ्री फोर फोर अगर क्वेश्चन आपके पुट करते हैं तो उन फोर के फोर का आपका आंसर यही होगा इसको अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देना अब हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डी